हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर एक छोटा सा हाउस प्लान है, 4 बेडरूम का, 6 फीट × 46 फीट के अंदर यह 4 बेडरूम का एक हाउस डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट उसका 2D प्लान क्रिएट करके नेक्स्ट उसका 3D प्लान में डोर विंडो फर्नीचर किस तरह ऐड किया है सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। टाइम लैप्स लगा देता हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। चलिए इसका 3D टॉप एंगल व्यू देख लेते किस तरह आने वाला है। फ्रंट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को कार एक पार्किंग करने के लिए जगह देखने के लिए मिल जाएगा। मेन डोर से एंट्री करके हॉल में जा सकते हो, हॉल में सीढ़ी रखा हुआ है कुछ इस तरह का देख सकते हो। हॉल का राइट साइड में फर्स्ट बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, नेक्स्ट और एक बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा 2 नंबर बेडरूम। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा डाइनिंग हॉल कुछ इस तरह का आने वाला। डाइनिंग हॉल का राइट साइड में एक किचन देखने के लिए मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा एक छोटा सा कॉमन वॉशरूम। नेक्स्ट 3 नंबर बेडरूम देख सकते हो कुछ इस तरह का आने वाला, इसमें भी फर्नीचर ऐड किया हुआ है। ये 4 नंबर बेडरूम है, कुछ इस तरह का फर्नीचर ऐड किया हुआ है और इस डिज़ाइन में चारों तरफ विंडो यूज़ किया गया है, कुछ इस तरह का विंडो का डिज़ाइन आने वाला है देख सकते हो आप लोग। ये 4 बेडरूम का हाउस प्लान है, 26 फीट × 46 फीट के अंदर। और इस तरह हाउस डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट है तो आसाम सिविल हाउस डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक करके रखना, ऐसा न्यू न्यू हाउस डिज़ाइन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए ये घर का नक्शा देख लेते किस तरह आने वाला है। चलिए इसका घर का 2D नक्शा देख लेते किस तरह आने वाला है। फ्रंट साइड और बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा 26 फीट 0 इंच, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा 46 फीट 0 इंच। इसका टोटल स्क्वायर की बात करें तो 1196 स्क्वायर फीट के अंदर टोटल एरिया आ जाएगा। फ्रंट साइड में आप लोग को कार पार्किंग करने के लिए जगह देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट एंट्री का साइज रहेगा आप लोग को 11 फीट 7 इंच × 5 फीट 8 इंच के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का साइज रहेगा 11 फीट 0 इंच × 11 फीट 0 इंच। नेक्स्ट बेडरूम का साइज रहेगा 12 फीट 6 इंच × 11 फीट 1 इंच। हॉल का साइज रहेगा 21 फीट 11 इंच × 13 फीट 7 इंच। इस लोग को सीढ़ी भी देखने के लिए मिल जाएगा। डाइनिंग हॉल का साइज रहेगा 9 फीट 7 इंच × 10 फीट 0 इंच। कॉमन वॉशरूम का साइज रहेगा 4 फीट 6 इंच × 7 फीट 0 इंच। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा 3 नंबर बेडरूम का साइज रहेगा 12 फीट 1 इंच × 11 फीट 6 इंच। 4 नंबर बेडरूम का साइज रहेगा 12 फीट 6 इंच × 11 फीट 6 इंच। यह घर का 2D नक्शा कुछ इस तरह का आने वाला है। 3D टॉप एंगल भी कुछ इस तरह का आने वाला है। और इस तरह हाउस डिजाइन वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये ग्राउंड फ्लोर का 4 बेडरूम का डिज़ाइन किया हुआ है कुछ इस तरह का आने वाला है देख सकते हो आप लोग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कितना रूम का डिज़ाइन चाहिए कमेंट कर दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर सो मच, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और वीडियो में थोड़ा नॉइज आ रहा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर सो मच, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, थैंक यू सो मच।